हळूहळू त्या सांगायला हव्यात. आमचे मला कोणतरी म्हटलं की तुम्ही जिथे कपडे शिवले तिथे पण डेडी वाया गेले होते, म्हणजे लग्नाचे कपडे शिव. मुलुंडला टेलर आहे आमचा एक, तिथे गेले होते, किती कपडे शिवले म्हटले. म्हणजे ईडी हा काय प्रकार आहे हे तुम्हाला कळलं पाहिजे म्हणून तुम्हाला मी सांगतो. मैंने जहां कपड़ा शिलाया ना मुलुंड में, वो टेलर के पास भी ईडी के लोग गए थे. क्या क्या शिलाया, कितने शिलाया, कितना बिल दिया, कितने सूट शिलाया. हाँ, अब सिर्फ जूते वाले के पास जाना बाकी. हाँ, जाने दो, कहा जाना हो जाइए, लेकिन टक्कर शिवसेना से आप ध्यान में रखिए. एक दूध वाला है हरियाणा में, हरियाणा में एक दूध वाला है, मिल्कमैन. सिर्फ 5 साल में एक दूध वाला 7,000 करोड़ का मालिक कैसे बन रहा है, किसका पैसा है? 7,000 करोड़ का मालिक कैसे बन रहा है? जब से महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आ गई तब से सिर्फ 5 साल में एक दूध वाला 7,000 करोड़ का मालिक कैसे बन गया, किसका पैसा है? 7,000 करोड़ का मालिक कैसे बन गया? जब से महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आ गई तब से उसका महाराष्ट्र में आना जाना शुरू हो गया. बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री के घर में उनका तो खुला आना जाना रहता था. उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी बढ़ने गई. किसका पैसा उसके पास है? किसने किया मनी लॉन्ड्रिंग? मैं ये सब, ये मनी लॉन्ड्रिंग की जो केसेस है नरवर की और सब किया बीजेपी के नेताओं के यहां की, जल्दी मैं दे रहा हूं, जल्दी दे रहा हूं. 7,000 करोड़ में से 3,500 करोड़ ये महाराष्ट्र से गए हैं. 3,500 करोड़ की प्रॉपर्टी महाराष्ट्र में, जो उनको प्रोजेक्ट मिले महाराष्ट्र से, जो करप्शन हुआ है पहले वाली सरकार में, वहां से गई है.